चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर हमारा आज के दिन जो मेन फोकस है वो है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग देखो, सबसे पहले आप चलो अब आप समझना, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझना। IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, अल्कोहल्स, अल्काइलाइट्स, ये सारी फैमिलीज की IUPAC नेमिंग है। लेकिन आप ये सोच सकते हो कि IUPAC नेमिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई, IUPAC का मतलब क्या है वगैरह वगैरह, ऐसा कभी सोच सकते हो ऐसा आप? चलो मैं आपको इसके पीछे का जो रीज़न है वो पहले समझा देता हूँ। बहुत आसान है। नमक को, सोडियम क्लोराइड को हम लोग नाम से याद रख सकते हैं ना, NaCl इसका नाम है, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। चलो NaOH मैं बता देता हूँ। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, Na2CO3 .10H2। बहरहाल सोडियम कार्बोनेट है, या इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, या लिथियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये तादाद में बहुत ही कम है। मतलब कितने ही होंगे, 10,000, 1,00,000 बहुत ज़्यादा होंगे, तो इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स हैं, एक्चुअल में वो कंपाउंड्स बहुत ही कम हैं। ये जो नंबर बताया मेरे ख्याल से, ये नंबर भी बहुत बड़ा है, इससे भी कम कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और फिर उन नामों को हम उनके मतलब उन कंपाउंड्स को हम उनके नाम से याद रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मतलब इतने ही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आप उसको नामों से याद नहीं रख सकते। बात समझ में आ रही है? सिर्फ एक अल्केन्स की अगर मैं कैटेगरी उठा लूँ, सिर्फ एक अल्केन्स की कैटेगरी, तो इतने इसके आइसोमर्स हैं कि ये हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में सिर्फ एक अल्केन्स के आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम उनके नाम से याद नहीं रख सकते। तो अब हम करेंगे क्या, हमारे पास इसका एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि हम क्या करें, तो करें क्या। फिर हुआ क्या, जेनेवा के अंदर एक यूनियन बैठी, उस यूनियन का नाम था, आई से मुराद है इंटरनेशनल, यू से मुराद है यूनियन ऑफ प्योर, पी से मुराद है प्योर, और फिर उसके बाद ए से मुराद अप्लाइड, और सी से मुराद है केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। एक पूरी मीटिंग बैठी जेनेवा के अंदर आज से तकरीबन 150 साल पहले। इन्होंने सारी फैमिलीज के लिए रूल्स सेट कर दिए कि इसको इस रूल्स के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से इसको नाम देना है। चाहे फिर आप इफ्रा आप नाम देंगी, मुसफ्सरा आप नाम देंगी, मैं नाम लूँगा, या अमेरिका के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स नाम दे रहा है, यूरोप में बैठा हुआ कोई शख्स नाम दे रहा है, दुनिया में बैठा हुआ कोई भी शख्स इस कंपाउंड को, जो एक सेम कंपाउंड उसको नाम दे रहा है, तो वो कंपाउंड का नाम आप सबका, हम सबका, और उन लोगों का, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका सेम रहेगा। अगर रूल्स को फॉलो करके चलोगे, रूल्स के हिसाब से आप नहीं चलोगे तो वो नाम ही गलत हो जाएगा। तो अब इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, IUPAC नेमिंग के अंदर कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो हम उस रूल्स को समझ लेते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल यह है कि सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है भाई, सबसे पहले तो आप लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करो। ये पहले से ही डिसाइड कर दिया, बाद में नए आने वाले लोग के नाम है कोई मसले ना करें। आज से 200 साल पहले इसको, 150 साल पहले इसको डिसाइड कर लिया गया। सबसे पहले आपने कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर देना है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरेस्ट। नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, करीब हो। जहाँ से भी फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ा है आप नंबरिंग वहाँ से कर दोगे, ये डिसाइड हो गया। लेकिन अब एक कैटेगरी, एक ऐसी एक फैमिली ऐसी जिसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, और वो फैमिली है अल्केन्स। अगर आप अल्केन्स के अंदर देखोगे तो अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। सिंगल बॉन्ड तो अल्केन्स के अंदर भी है, हालांकि एक डबल बॉन्ड है, लेकिन बाकी सारे तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अल्कीन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप है कि डबल बॉन्ड है, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ा होगा नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अल्काइन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ा होगा नंबरिंग वहाँ से कर लेंगे। लेकिन अल्केन्स के अंदर तो हर जगह पे सिंगल बॉन्ड्स है, तो अब नंबरिंग वहाँ से करेंगे। तो अल्केन्स के लिए उसी टाइम पे इस रूल को ऐसे कर दिया गया कि फॉर अल्केन्स
फॉर अल्केन्स जहाँ से ब्रांच नियरेस्ट हो, फ्रॉम दैट एंड वेयर ब्रांच इज नियरेस्ट, जहाँ से ब्रांच करीब हो, ठीक है। ये सबसे पहले आईयूपीएससी के अंदर कुछ रूल डिसाइड करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना अपन ने, उसके बाद नंबरिंग वहाँ से कर लेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो। अच्छा, अगर मान लो कि हमारे पास दो ब्रांचेस आ रही हैं, एक इस कॉर्नर से आ रही है, एक इस कॉर्नर से आ रही है, तो पहले तो आप ये देख लो कि जिस कॉर्नर से करीब पड़ रही है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लो, ठीक है। जैसे कि इस साइड से सेकंड नंबर पे आ रही है, सेकंड नंबर पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, और अगर इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पे या फिफ्थ नंबर पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, आप समझ लो। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ब्रांच नियरेस्ट पड़ रही है। अगर हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आ गई कि हमारे पास ब्रांच सेम पोजिशन पर आ गई, ब्रांचेस किसके लिए प्रेफरेबल है, सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स के लिए, ब्रांचेस प्रेफरेबल है अल्केन्स के लिए, और फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेबल है किस चीज़ के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए। फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेफरेबल है अल्कीन्स के लिए, और किसके लिए, अल्काइन्स के लिए, और बाकी सारी जितनी भी फैमिलीज हैं उन सब के लिए भी फंक्शनल ग्रुप ही प्रेफरेबल है। ये मैं डॉट 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 बना देता हूँ जिससे पता लग जाएगा बाकी सारी फैमिलीज। तो अगर ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप ये सेम पोजीशन पर आ गए तो हम देखेंगे हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं कि आइदर ये दोनों ब्रांचेस या दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है या अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं ब्रांचेस की बात करता हूँ, इफ ब्रांचेस आर सेम तब क्या रूल होगा, और अगर इफ ब्रांचेस आर डिफरेंट, ब्रांचेस जो आ रही हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, तो तब क्या रूल होगा, यहाँ पर ये समझते हैं। देखो, ब्रांचेस जब सेम हो तो आपकी मर्जी है, इट्स अप टू योर कॉल, सही है। तो आपकी मर्जी, योर चॉइस, मैं लिख देता हूँ योर चॉइस, कि आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, हर जगह से सेम ही आंसर आएगा। अगर एक जगह से मिथाइल ग्रुप आ रहा है सेकंड नंबर पे और दूसरे एंड से भी मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, तो फिर आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर पे आ रहा है लेकिन सेकंड नंबर पे एक और ब्रांच भी आ रही है, वहाँ पे सेकंड नंबर पे सिर्फ एक ही ब्रांच आ रही है, तो आप क्या करोगे, फिर लेफ्ट हैंड, जहाँ से ज़्यादा ब्रांचेस आ रही होंगी वहाँ से प्रेफर करोगे, योर चॉइस, उस वक्त जब सेम ब्रांचेस हों। अदरवाइज क्या होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा, अदरवाइज फ्रॉम दैट एंड वेयर नंबर ऑफ ब्रांचेस आर मोर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा, ये जो आईयूपीएससी के रूल्स बता रहा हूँ ये मैं अपनी वर्डिंग्स के अंदर बता रहा हूँ, आपको ऑब्वियसली ये बात पता है, स्टेटमेंट जैसे उनके एग्जैक्टली वैसे नहीं बता रहा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मेरा काम है समझाना भी, तो मैं समझा रहा हूँ अपनी वर्डिंग्स के अंदर समझा रहा हूँ। अगर ब्रांचेस डिफरेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे स्मॉल ब्रांच को, किस चीज़ को प्रेफर, स्मॉल ब्रांच। अगर मान लो एक साइड पे अटैच है मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर पे और दूसरी साइड पे भी सेकंड नंबर पे अटैच है इथाइल ग्रुप, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा इथाइल ग्रुप, तो हम उस नंबर उस जगह से नहीं करेंगे, फिर हम वो करेंगे जहाँ से स्मॉल ब्रांच नियरेस्ट पड़े, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर मैं अभी और आगे नहीं बढ़ता, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइन्स भी याद कर लो, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी आ गया और एक ही कंपाउंड में, उसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, और इस साइड से देखो तो डबल बॉन्ड करीब पड़ा है, उस साइड से देखो तो ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड इज मोर प्रायोरेबल, क्या बोलेंगे, प्रायोरेबल, कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, प्रायोरेबल, यार ये होता है वर्ड, होता है, चलो डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर देन ट्रिपल बॉन्ड। अगर मान, अरे यार अपनी लैंग्वेज में आ जाओ, लेकिन अपन हम तो समझ रहे हैं ना, समझ में आना चाहिए, तो हमें इतना समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों एंड से सेम पोजीशन पे पड़ रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, राइट हैंड साइड से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे और डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। अब तो ये नंबरिंग का सारा गेम हो गया। अब इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम लोग अभी फिलहाल नहीं करें, क्योंकि जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे उसके बाद हमें मुश्किल नजर आएंगी, तो उस टाइम पे उसी वक्त रूल समझाऊंगा क्या करना। अभी फिलहाल यहाँ पे आते हैं, और अगर हमारे पास सेम ब्रांचेस हैं लेकिन मोर देन वन है, हमारे पास सेम ब्रांचेस हैं लेकिन क्या है, मोर देन वन है, अलग अलग पोजिशन पर है, मोर देन वन है सेम ब्रांचेस, तो हम क्या करेंगे, हम इनके लिए
प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स वो होता है जो नाम के शुरू के अंदर आता है, प्रीफिक्स वो होता है जो कि नाम के शुरू के अंदर आता है, प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे कि अगर दो मरतबा आ गई तो हम वर्ड यूज करेंगे डाई, अगर तीन मरतबा आ रही तो हम वर्ड यूज करेंगे ट्राई, अगर चार मरतबा आ रही तो वर्ड यूज करेंगे टेट्रा, और अगर पांच मरतबा आ रही तो पेंटा और फिर हेक्सा हेप्टा। इस तरह से अगर एक ही ब्रांच पांच छह सात मरतबा आ रही तो हम उसके लिए वो वाले वर्ड यूज करते जाएंगे। ये खराब हो गई है। अच्छा, मोर देन वन ब्रांच। अच्छा, अभी हमने प्रीफिक्स यूज कर लिया, हमने कर लिया, अब हमने डिफरेंट ब्रांचेस की बात करनी है। अगर डिफरेंट ब्रांचेस है तो किसको पहले नाम देना और किसको बाद में नाम देना, डिफरेंट ब्रांचेस में किसको पहले नाम देना और किसको बाद में नाम देना, ये नाम ये जान लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर फॉलो करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम यहाँ पे क्या चीज़ फॉलो करते हैं भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर मैं इथाइल की बात करूँगा तो इथाइल और मिथाइल की बात कर लेता हूँ। मान लो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लिखा हुआ है और सेकंड पोजीशन पे या सिक्स पोजीशन पे इथाइल लिखा हुआ है, तो मैं पहले किसको नाम दूंगा, इथाइल को। सिक्स इथाइल थ्री मिथाइल, सही बात समझ में आई, थ्री मिथाइल सिक्स इथाइल नहीं कहूँगा वरना नाम आगे पीछे हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट ब्रांचेस को इस तरह से करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अच्छा, आखिरी रूल मैं आपको ये बता रहा हूँ, आखिरी रूल ये है कि नेम ब्रांचेस फर्स्ट अगर अल्केन्स है तो नेम ब्रांचेस फर्स्ट। अल्केन्स हैं, अल्कीन्स भी, अल्काइन्स भी, हर जगह पे, बल्कि यही रूल है कि पहले ब्रांचेस को नाम देना है फिर बाद में पेरेंट चेन जो आपने सेलेक्ट करी हुई ना ऊपर उसको सबसे आखिर में नाम देना है। नेम ब्रांचेस फर्स्ट, देन किसको नाम देना आपने, देन पेरेंट चेन, आपने आखिर में पेरेंट चेन को नाम देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब आप एक काम कर लो, पहले तो आप इसकी अच्छी सी पिक्चर खींच लो, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखने लगा हूँ, आप इसको कॉपी तो करोगे नहीं अभी, तो आप उस पिक्चर के अंदर से देख के रूल्स के हिसाब से मुझे उन कंपाउंड्स का नाम बताओगे। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोगों ने क्या कर लिया, अब हमने यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स लिख लिए हैं, हम इन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। और हमारे पास सबसे अच्छा, मैंने यहाँ पे अल्केन्स पहले, फिर उसके बाद अल्कीन्स, फिर उसके बाद अल्काइन्स लिखे, लेकिन मैंने उनके नाम इसलिए नहीं लिखे ताकि आप खुद से डिस्टिंग्विश करो कि कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्कीन और कौन सा अल्काइन। तो और सब जरा सबसे पहले इस वाले कंपाउंड पर आते हैं, जरा इस वाले कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग क्या करोगे, रूल्स अपने सामने रखने हैं, पिक्चर खोल के बस छोड़ दें, अब क्या ही कॉपी करना, घर जाके ही कॉपी करेंगे अब। सही है, तो अब आप अपने सामने से रूल्स खोल के लिख लो, बताओ क्या रूल है, सबसे पहले क्या काम करेंगे, नहीं नहीं सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हाँ आपके सहन में वही था, सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। अगर देखें यहाँ पर गौर से देखिएगा, अभी तक हमने रूल्स निकाले यार, क्या कर रहे, निकाल लिए रूल्स, निकाल लिए, शाबाश शाबाश। देखो भाई, अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने लॉन्ग चेन सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। अब लॉन्ग चेन सिलेक्ट करूँगा तो मैं जिस जगह से भी सिलेक्ट कर लूँ मेरे पास पांच ही कार्बन आ रहा है, चाहे मैं स्ट्रेट चले जाऊँ या मैं यूँ जाकर यूँ आ जाऊँ, ऊपर से जाके नीचे आ जाओ। अब आप बोलोगे ये चेन सेलेक्ट कैसे करनी है, चेन सेलेक्ट करने के लिए पीछे ना एक दिमाग में एक चीज़ बिठा लो, वो बड़ी चीज़ बड़ी सिंपल है, वो चीज़ यह है कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आप एक गाड़ी चला रहे हो, तो जब गाड़ी चलाते 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 अब टर्न आएगा तो आप या तो टर्न लोगे या सीधा जाओगे, दोनों जगह पर एक साथ नहीं जा सकते, बात समझ रहे हो ना। तो हम इसी तरह से चेन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपने इस चेन को सिलेक्ट करना है, इस चेन को सिलेक्ट करते हुए आपने मान लो यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू किया, अब यहाँ पर टर्न आ गया, या तो आप टर्न ले लो या फिर आप सीधे चले जाओ। आप अभी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो तो आप सीधे जाओगे, क्योंकि अगर आपने टर्न मार लिया तो टोटल कितने कार्बन होंगे, ये तीन, तो वो तीन लॉन्ग चेन नहीं हो पाएगी, यहाँ पर ही हो जाओगे, एक दो तीन, टर्न मारोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे चार, चार भी लॉन्ग चेन में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आप आए तो पाँच, ये कितनों का, एक दो तीन चार, और ये सॉरी एक दो तीन और चार, चार कार्बन ही हो गए। अब चार कार्बन के पास आपके पास च्वाइस है कि आप ऊपर चले जाओ, ऊपर जाओगे तो भी पाँच कार्बन, सीधे जाओगे तो भी पाँच कार्बन, और नीचे आओगे तो भी कितने होंगे, तो आपकी मर्जी है फिर कि आप अब कहाँ पे टर्न ले। तो आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी थी, आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, अब आप किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर लो। हमने यहाँ पे ऊपर भी लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, नीचे भी लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली। सबसे पहले ऊपर वाली चेन को देखते हैं, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ब्रांच करीब है, तो हमने यहाँ से नंबरिंग करी वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर और फिर फाइव, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड पोजिशन पर क्या आ रहा है, सी एच थ्री। अब आपको कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, ये वर्ड्स बड़े काम आएंगे, मैं वो वर्ड्स यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अगर सी एच थ्री लिखा हुआ है तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हो मिथाइल, ठीक है,
क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ का वर्ड यूज होगा और ये अल्काइल फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्या है अल्काइल फैमिली, टाइम के साथ साथ समझ आएगा। अगर C2H5 लिखा हुआ है या C2H5 को खोल के भी लिखा जा सकता है, कैसे कि CH3 और CH2 लिखा हुआ है तो दोनों में बात एक ही है, क्या है कितने कार्बन, दो कार्बन या दो कार्बन, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। ये कहलाता है इथाइल, सही है, तो मिथाइल और इथाइल, ठीक है। बाकी नंबरिंग आपको पता होगी कि अगर एक कार्बन है तो आप वर्ड यूज़ करते हो मिथ, दो कार्बन है तो वर्ड यूज़ करते हो इथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, और चार कार्बन है तो वर्ड यूज़ करते हो ब्यूट, और पांच कार्बन है तो पेंट, और छह कार्बन है तो हेक्स, और सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ कार्बन है तो अक्टूबर, और नौ कार्बन है तो नवंबर, और दस कार्बन है तो दिसंबर। सही भाई, ऑक्ट नॉन और डेक, क्लियर समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पे देखा कि सेकंड पोजीशन पर हमारे पास ब्रांच आ गई है। अब सेकंड पोजीशन पर ब्रांच आ गई तो पहले आपने लिखा टू, और ब्रांच कौन सी है, क्या टू पे क्या आ रहा है, मिथाइल, सही है। तो आप क्या लिखोगे, टू मिथाइल, और कितने कार्बन हो गए, पांच कार्बन, तो पांच कार्बन के लिए क्या वर्ड होगा, पेंट, और नाम के आखिर में क्या लगेगा, नाम के आखिर में लगता है सफिक्स। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सब सिंगल बॉन्ड हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसका मतलब ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अल्केन फैमिली का सफिक्स होता है एन, कि उसके नाम के आखिर में एन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो टू मिथाइल पेंटेन, क्लियर समझ में आ गया, आसान है। अब यहाँ पर सर मुझे इसका आप नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, पहले तो नंबरिंग करो। हाँ देखिए, यहाँ से नंबरिंग करो तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ब्रांच आ रही है, और यहाँ से भी सेकंड नंबर पे ब्रांच आ रही है, लेकिन यहाँ से सेकंड नंबर पे दो ब्रांचेस आ रही है, तो फिर हम प्रेफर करेंगे ये वाली जगह। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो जाएगा। बताओ ये क्या हो जाएगा, टू पे एक ब्रांच ये वाली, टू पे एक ब्रांच ऊपर वाली, फिर थ्री पे भी ब्रांच है, सेम ब्रांच है, फिर फोर पे भी ब्रांच है, सेम ब्रांच है। तो सेम ब्रांच के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, देखो रूल्स के अंदर टेट्रा चार मतलब आ रही है, देखो रूल्स खोल के रखने। अरे यार चलो 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 चलो, लड़ना नहीं है, मारो नहीं, क्या कर रहे हो यार, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, लाइव जा रहा है, क्या कर रहे हो यार। तो यहाँ पे दो, अगर दो मरतबा आ रहा होगा तो डाई, तीन मरतबा आ रहा होगा तो ट्राई, और चार मरतबा आ रहा होगा तो टेट्रा, सही है। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर नहीं, क्या पांचवा होगा तो फिर पेंटा भी आ सकता है, हेक्सा भी आ सकता है, हेप्टा भी आ सकता है, ये स्ट्रक्चर्स बने होंगे, आपको इनकी नंबरिंग करनी है, सही है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब उमेश भी कर सकता है अगर उमेश सीख ले तो। यहाँ पे देखो हमारे पास सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल आ गया, भाई उमेश कंप्यूटर के बैकग्राउंड से, सही ना, उमेश को हल्का नहीं लगा। अब हमारे पास टू पे एक ब्रांच आ गई, फिर टू पे एक और मरता, फिर थ्री पे एक और, फिर फोर पे एक और मरता, सेम सेम ब्रांचेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, 2, 3, 4। अब 2, 2 क्यों लिखा, 2 पे दो मरतबा है, सही है, इसलिए। तो 2, 2, 3, 4 कितनी मरतबा, चार मरतबा, तो टेट्रा, और कौन सी ब्रांच है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा टेट्रा मिथाइल। कितने कार्बन है, पांच कार्बन, तो वर्ड क्या हो जाएगा, पेंटेन। बात समझ में आ गई, 2, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन पूरा लिखना पड़ेगा, बात समझ में आ गई। अब मान लो कि एक इंसान है, उसके 100 बच्चे हैं, तो वो नामों से तो याद नहीं रख सकते ना, तो क्या बोलेगा, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, इस तरह से याद हो गया। तो यहाँ पे 100 बच्चे नहीं है, ये 100 बच्चे नहीं है, बल्कि मिलियन ऑफ बच्चे हैं, नंबरों से याद रखेंगे इसको। बहरहाल आओ यहाँ पर लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, कैसे करेंगे लॉन्ग चेन, अब आपके इम्तहान शुरू हो गया। बात समझ आई, अगर मैं यहाँ से चलते चलते आता सीधा जाता तो चार मिलता है, लेकिन क्योंकि मैं नीचे आ गया, मैंने किला उगड्डी ले के रास्ते में एक मोड़ आया, तो पीछे पलट के वापसी नहीं आना, रास्ता बदल लेना, ये वाला सीन है। तो हमने यहाँ पे नंबरिंग तो कर ली, सॉरी लॉन्ग चेन तो सेलेक्ट कर ली, हम नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से ब्रांच करीब पड़ रही है, यहाँ से 1, फिर 2, फिर थर्ड नंबर पर ब्रांच आ रही है, फिर 4 और 5, भाई ब्रांच हुआ है जो चेन के बाहर चली जा चीज़, ठीक है। अब हमने यहाँ ब्रांच ही CH3 और ये भी CH3 है, ये भी ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया, दो ब्रांचेस हो गई, सेम ब्रांचेस, ऑब्वियसली जो भी चेन से बाहर है चीज वो ब्रांच के अंदर आएगी, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, इफ्रा आपकी बारी है, सर बताओ
अब बारियां हैं, पहले अफरा की बारी फिर आपकी बारी। टू हाँ नहीं नहीं टू पर उसके बाद थ्री रूल्स। आपके बुक का नाम क्या है? आबिद साहब ने ये रूल डिसाइड नहीं किया ना, आमिर साहब ने ये रूल्स डिसाइड नहीं किया ना, ये रूल्स एक कमेटी ने डिसाइड किया 150 साल पहले। टू थ्री डाय मिथाइल, उसके बाद आगे पेंटेन, पांच कार्बन है यार। सही बात समझ में आ गई, समझ में आया। अब देखें नेक्स्ट टाइम आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अभी फ्रॉग को देखो, मुस्तफर को देखते हैं। मुस्तफर आपकी बारी बताएं क्या। यहाँ से सीधा आए तो हम यूं मुड़ गए ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे ऊपर जा सकते हैं। सही है, गाड़ी चला रहे ना। ये वाली करीब पड़ी है वहाँ से, यहाँ से करीब पड़ी है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 और 5 और 6, अभी क्या होगा? 2 3 4 टू पे, थ्री पे, फोर पे, सेम ब्रांचेस हैं। तो ट्राई मिथाइल और कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सेन। बात समझ में आ गई भाई? आसान है या मुश्किल है? ये आसान है, चले शाबाश बेटा, भी दे रहा हूँ। यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा ये आपको भी समझ में शायद नहीं आएगा, ये CH3 ग्रुप ना दो मरतबा है, ब्रैकेट के अंदर बंद है CH3 और बाहर 2 लिखा हुआ है, दो मरतबा ये CH3 ग्रुप, इसको खोल के लिखना है। जब भी CH3 ग्रुप होगा तो उसको खोल के उसके साथ में जो कार्बन एटम होगा, इन दोनों मिथाइल ग्रुप को उस कार्बन एटम के साथ में अटैच करना है पहले। तो मतलब पहले एक साइड पे लगा दो, एक नीचे लगा दो, ऐसे करके लगा दो जैसे यहाँ पे लगाया था। सही है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास CH3 ट्वाइस मरता है, दो मरता है, तो कितनी मरता लिखना पड़ेगा? एक CH3 ग्रुप इसके साथ में अटैच कर दो, एक CH3 ग्रुप नीचे की तरफ अटैच कर दो, ठीक है। दोनों मरतबा इस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। अब हमने करनी है इसकी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। बताओ लॉन्ग चेन क्या सेलेक्ट करें? क्या चीज़? अरे डबल बॉन्ड की ज़रूरत भी नहीं है, बताएं एक्स्ट्रा क्या है? सीधी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहो तो पलट के इस जगह से पलट के नीचे भी आ सकते हैं चाहो तो, और चाहो तो सीधा सीधे भी जा सकते हैं। टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। सही, अब नंबरिंग कहीं से भी कर लो, सेम है, यहाँ से भी कर लो, तो यहाँ से भी सेकंड नंबर पे आएगा, वहाँ से भी सेकंड नंबर पे। इट्स अप टू योर कॉल। 1 2 3 4 5 6 और 7, बताओ क्या नाम होगा? 2 पे मिथाइल है और 6 पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा? 2 6 डाई मिथाइल। शाबाश, आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो। हेप्टीन नहीं, हेप्टेन, अल्कीन कहाँ से? डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? हेप्टेन, बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? 2 6 डाई मिथाइल हेप्टेन। चलो मुस्तफर आपकी बारी। ये सिंगल बॉन्ड है, ये पूरी स्ट्रेट चेन लेकर आ गया हूँ मैं, 10 कार्बन एटम्स की। यहाँ से थर्ड नंबर पे भी करीब पड़ रहा है, वहाँ से थर्ड नंबर पे नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से प्रेफर करेंगे फिर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इफ्रा बहुत गौर से इस नाम को देखिएगा, इस नाम को बहुत गौर से। 4 इथाइल क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बात समझ में आया? नहीं आई बात समझ में? कहाँ समझ आई? आपने बोला था वो गौर से देख रहे हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3 सेम ब्रांचेस हैं ये दो, लेकिन ये C2H5 क्या हो गई? डिफरेंट ब्रांच हो गई। बात समझ रहे? C2H5 डिफरेंट ब्रांच हो गई। C2H5 को कहा जाता है इथाइल और CH3 को कहा जाता है मिथाइल। डिफरेंट ब्रांचेस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लग जाएगा, यानी कि ई पहले आता है तो इथाइल पहले लिखा जाएगा, एम बाद में आता है तो मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? अभी क्या हो जाएगा? 4 पे इथाइल आएगा, 2 3 7 9 टेट्रा मिथाइल, और उसके बाद टेट्रा मिथाइल डेकेन, क्योंकि 10 कार्बन है तो 10 के लिए वर्ड यूज होगा डेक का, और नाम के आंखों में लग जाएगा ईन डेकेन। बात समझ में आ गई?
अब इसका बताओ क्या होगा, अब फिर आपकी बारी है, सीधी सीधी चेन सेलेक्ट हो गई, फिर बताओ नाम क्या होगा। हाँ तो खैर है, क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, क्योंकि वो नहीं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, वहां से देखो तो वहां से भी सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, आपकी मर्जी कहीं से भी कर लो नंबरिंग। अब क्या हो जाएगा, ये ब्यूटीन, क्योंकि चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए वर्ड होगा ब्यूट, और नाम के आखिर में डबल बॉन्ड, नाम के अंदर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है तो नाम के आखिर में इन लगेगा, तो ये हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा ये ब्यूटीन। अब बात यह है कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी बताने पड़ती है, फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पर आ रहा है, सेकंड नंबर पे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा नाम ये होता है कि आप पहले लिखो ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने कार्बन, चार कार्बन, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, तो फिर आप लिखो सेकंड और थर्ड के बीच में, तो हम शुरू वाला जो होता है ना वही नंबर काउंट करते हैं जहाँ से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू ब्यूटीन, या फिर चार कार्बन तो आप लिख लो पहले ब्यूट, और सेकंड नंबर पे तो आप लिखो टू, और डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे तो लिखो ब्यूट टू ई। बात समझ में आई, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताना भी बहुत ज़रूरी है, और ये नाम ज़्यादा प्रेफरेबल है, सही है, आप ऊपर वाले भी लिखो तो भी ठीक है। बताओ इसका क्या होगा, स्ट्रेट चेन ले ली, तो ब्रांच का क्या करना है यहाँ पे, ब्रांच का कोई काम ही नहीं है। अब हम बॉन्ड देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्केन्स के लिए देखते हैं ब्रांचेस, अल्कीन्स के लिए या किसी और फैमिली के लिए तो हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। बात समझ में आ गई, तो यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, सही है। अब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन ब्रांच कौन से नंबर पर, पहले तो मिथाइल का बताएंगे, बचा क्यों, ब्रांच को पहले लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे मिथाइल ब्यूट, ब्यूट 1 ईन, ब्यूट 1 ईन लिखे, अगर हमने सिर्फ ये लिखना होता तो हम लिखते 1 ब्यूटीन, सही बात समझ में आ गई। अगर हमने ऐसे लिखना होता 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन लिखते तो भी ठीक है, और 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन लिखें तो भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ ये क्या होगा, सीधी सीधी चेन सेलेक्ट कर ली, बताएं मैं सबसे आपकी बारी, 1 2 3 नंबरिंग करी सबसे पहले, फिर उसके बाद 2 मिथाइल प्रॉप, प्रॉप 3 कार्बन है तो प्रॉप, सही है, और डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है तो प्रॉप 1 और 1, क्लियर समझ में आ गया, 2 ब्यूटीन करके भी लिख सकते हैं, चलो सही है, आपको जो मर्जी अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो कर लेना। यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या होगा, आप डबल, आप कहीं से भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे वो मुश्किल आएगी जो कि, अब देखो बॉन्ड बीच में, बॉन्ड यहाँ से देखो तो बॉन्ड यहाँ से सेकंड नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से भी बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो अब बॉन्ड की वजह से डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो बॉन्ड की वजह से जब डिसीजन नहीं हो पाएगा तो आईयूपीसी ने ये रूल भी फौरन ही कर लिया कि अगर बॉन्ड की वजह से डिसीजन ना हो पाए तो फिर ब्रांच को देख लो, ठीक है। तो फिर अब कहाँ से देखेंगे, अब हम इस साइड से देखेंगे जहाँ से ब्रांच भी करीब पड़े, तो 1 2 3 और 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल ब्यूट 2 ईन लिखेंगे, या फिर क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और 2 सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए, और ईन इसलिए, या 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसका बताओ, इफ्रागी बारी है, इफ्रा बताएंगे, उस तरफ से करें, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, बताएं 2 3 4 ट्राई मिथाइल, बहुत सही, ज़बरदस्त, आगे हेक्स, हेक्स इसलिए क्योंकि कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, शाबाश, आगे एक्स,
थ्री थ्री क्योंकि करीब वाला नंबर लिखेंगे तो हेक्स तो उसका थ्री और साथ में क्या लिखेंगे ईट। क्लियर समझ में आ गया? इसका बताओ इसका क्या होगा? बस तीन ही रहेगा। अब हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स आ गए। अब ये एक और मसला है, ये आपको बता दूँ, दो डबल बॉन्ड्स आ चुके हैं। नंबरिंग आपको पता है नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से बॉन्ड करीब है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है तो क्या लिखेंगे? 2-methyl। 2-methyl के बाद पेंट, सबसे पहले तो पेंट ऐसे लिखेंगे, पेंट 2 नहीं 1, क्योंकि अब देखें ये अब बहुत ध्यान से समझना है। हमारे पास पेंट लिखा, पेंट इसलिए क्योंकि कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 2-methyl इसलिए लिखा क्योंकि सेकंड नंबर पर ब्रांच है। अब ये डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और थर्ड पे आ रहा है क्योंकि थर्ड से ये स्टार्ट हो रहा है, सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखूंगा? पेंट के साथ में, पेंट के साथ आगे क्या लिखूंगा? 1-3 1-3। और आप ईन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अब आप देखो कितनी मरतबा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 मरतबा है, तो हम क्या लिखेंगे? 1-3-diene, क्योंकि हमने प्रीफिक्स लगाना है कितनी मरतबा डबल बॉन्ड है।